शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। फिक्र आपकी की शुरुआत में यूपी में मुजफ्फरनगर की एक ऐसी खबर से शुरुआत करते हैं जिसमें सांप्रदायिक आग है, दुकानदारों का नाम देखकर पहचानने वाला मॉडल है और एक बड़ा राजनीतिक विवाद। लोग अक्सर कर्म को बड़ा बताने के लिए अंग्रेजी के महान लेखक और प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर के कथन का उदाहरण देते हैं कि नाम में क्या रखा है, व्हाट इज देयर इन द नेम, फिर आगे जोड़ते हैं कि कर्म महान होना चाहिए। लेकिन यूपी में मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने इस कथन से ठीक उल्टा सोचा। सावन के समय प्रशासन को नाम में ऐसा कुछ दिखा कि यहां छोटे दुकानदारों के ठेले पर जमकर हिंदू मुसलमान वाली सियासत हो रही है। हम ये पूरी खबर और इस पर जमकर हो रही राजनीति को डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश का सीधा और सरल मतलब क्या है ये समझ लीजिए। इस आदेश के मुताबिक अगर कोई फल विक्रेता आम का व्यापार कर रहा है तो उसे अपनी दुकान या ठेले के आगे अपने नाम का पोस्टर लगाना होगा, जैसे निसार फल वाला, राशिद फल वाला। इसी तरह से अगर किसी ने टी स्टॉल या जूस की दुकान लगा रखी है तो उसे वहां अपना नाम लिखना होगा, जैसे कि मनोहर टी स्टॉल या राकेश जूस वाला। दरअसल 22 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है और काफी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल भरकर इसी मुजफ्फरनगर के रास्ते जाते हैं और फिर शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। इस दौरान वो रास्ते में रुककर भोजन फलाहार भी करते हैं। मुजफ्फरनगर इस दृष्टिकोण से प्रमुख केंद्र है, लिहाजा मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर मालिक और कर्मचारी का नाम लिखने का फरमान जारी किया है। यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि कांवड़ यात्रियों को यह पता रहे कि वो जिस होटल से खाना ले रहे हैं या फिर जिस दुकान से फल खरीद रहे हैं वो किस व्यक्ति की है, उस व्यक्ति का नाम क्या और वो किस धर्म या मजहब से ताल्लुक रखता है। आदेश में यह भी लिखा गया है कि अगर दुकानदारों ने गलत नाम लिखा तो प्रशासन कड़ा एक्शन भी लेगा। मुजफ्फरनगर में इस आदेश का असर कांवड़ वाले रूट पर दिखने भी लगा है। ये देखिए, निसार फल फलों का ठेला लगाने वाले कुछ लोगों ने अपने ठेलों के आगे नाम वाले पोस्टर चिपका दिए हैं। देख रहे हैं आप, TV9 के कैमरे में रिकॉर्ड कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये निसार है, मुजफ्फरनगर में आम का ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं। इन्होंने अपने ठेले के आगे अपने नाम वाला पर्चा लगा दिया। अब अगले ठेले को देखिए, इस पर आरिफ फल वाला नाम का पोस्टर चिपका है। आरिफ, देख रहे हैं आप, मुजफ्फरनगर में आरिफ भी निसार की तरह आम बेचकर परिवार का पेट पालता। इन्होंने भी प्रशासन के आदेश के त्वरित रूप से पालन किया। जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपने खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न। असली नाम है मेरा तो असली है, मगर उन्होंने कहा अगर मोहम्मद लगाओ या वो लगाओ खां, अच्छा। तो ये लगा आपने फिर मजबूरी। ये बिल्कुल एकदम से गलत फैसला मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, प्रशासन ये चाह रहा है कि आप अपनी दुकान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में तोड़ दें। लाभ तो नहीं पता चलेगा जी बाद में, क्या नाम उसका, क्या लाभ होगा इससे, क्या नहीं होगा, बंदी हो जाएगा कावड़ में तो डेली लगने की नहीं, फिलहाल नाम देख के फल खरीदा बताओ। यहाँ पर कोई भी अगर मजदूर मुस्लिम है, अगर वो काम कर रहा है, यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, अब उसे 10-15 दिन से अगर घर पर बिठा दिया तो वो कहाँ से इनकम प्राप्त करेगा, अब कैसे घर चलाएगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के बाद जगह जगह पर ढाबों पर बालिकों का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं खतौली बाईपास के पास बने साक्षी टूरिस्ट ढाबे पर। आप देख सकते हैं कि प्रोप्राइटर का नाम आपको यहां पे नजर आएगा, लिखा हुआ है प्रोप्राइटर अक्षय प्रताप। मुजफ्फरनगर में नाम वाला ये मामला आपको अनोखा लग सकता है, देश के किसी भी कोने में ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला है। प्रशासन ने इस पर दलील दी है कि ऐसा करने से कांवड़ियों के मन में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं रहेगी।
और सावन के महीने में सांप्रदायिक विवादों से भी बचा जा सकेगा। लेकिन विपक्ष को इस आदेश में खास तरह का मजहबी एजेंडा दिख रहा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुजफ्फरनगर पुलिस की तुलना हिटलर से की है और अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने इस आदेश को भेदभाव करने वाला बताया है। मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। मुजफ्फरनगर पुलिस का यह आदेश एनडीए में शामिल जेडीयू के भी गले नहीं उतर रहा है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने ऐसे फैसलों के कारण आपसी माहौल बिगाड़ने का खतरा बताया। उन्होंने आदेश के रिव्यू की मांग उठाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसे आदेश को सामाजिक अपराध कहा है, सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने वाला बताया है और ओवैसी की तरह उन्होंने भी अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसकी तुलना जर्मनी के नाज़ी काल से की है। ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नाट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। ये करना जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों, अलग भी करना और मुसलमानों तो गरीब, खासतौर से गरीब मुसलमानों को बेरोजगार करना क्या मुनासिब है? कांवड़ यात्रा में बहुत बड़ी आस्था रहती है लोगों की। अगर आप बीच के रास्तों में जिस तरीके से बहुत सारी दुकानें होती हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो वो नहीं खान पान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मुद्दों से हटाने के लिए प्रशासन के पीछे जो शासन है हमारे, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा, इसे जानने के लिए हाल के घटनाक्रम को समझना होगा। कुछ दिनों पहले बघरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी कि कांवड़ रास्ते पर पड़ने वाले मुस्लिम होटल संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो वो आंदोलन छेड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोल रखे हैं, इस कारण श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दुकान का नाम दुर्गा मिष्ठान भंडार है, लेकिन उसके मालिक का नाम दानिश है। दुकान का नाम है कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसके मालिक का नाम है कामरान। किसी होटल का नाम है शंकर भोजनालय, लेकिन उसके मालिक सलीम नाम का कोई शख्स है। इसी तरह जैसे किसी ने हनुमान होटल खोल लिया हो लेकिन मालिक का नाम हिदायत है, या फिर उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है ब्रह्मा मेडिकल स्टोर लेकिन उसे कोई बुरहान नाम का शख्स चला रहा है। पुलिस ने जब इन आरोपों की जांच की, सघन अभियान चलाया, तो पता चला कि ऐसे 8 होटल मुसलमानों के थे जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलाए जा रहे थे। और यह गोलमाल सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं है, यूपी के अलग अलग जिलों में ऐसी कोशिश पहले भी देखने को मिली। जुलाई 2023 में मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम शख्स एक हिंदू देवता के नाम पर ढाबा चला रहा था। जब हिंदू पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने विरोध किया और फिर इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा। इसी तरह अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुस्लिम युवक श्रीनाथ डोसा के नाम से स्टॉल चला रहा था, लोगों ने विरोध किया। इसके बाद उस शख्स ने स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा से बदलकर अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर दिया। वर्ष 2020 में आजमगढ़ से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। तब बीजेपी के लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें चला रहे हैं और इससे हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। यानी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान लेकिन मालिक मुसलमान। पहले भी इस विषय पर विवाद होते रहे। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन को नाम में पहचान दिख रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान में कई नाम कॉमन भी होते हैं। जैसे किसी का नाम गुड्डू है और उसने अपने ठेले के आगे लिख रखा है गुड्डू फल वाला, तो वो हिंदू है या मुसलमान उसकी दुकान पर लगे पोस्टर से इसका पता नहीं चलेगा। किसी का नाम मुन्ना या छोटू है तो उसके धर्म या मजहब का पता मुजफ्फरनगर का प्रशासन कैसे लगाएगा।
इसी तरह से साहिल, समीर, आजाद, खुशबू, खुशी या राजा नाम वाले पोस्टर पर कांवड़ियों के मन का भ्रम पुलिस कैसे दूर कर पाएगी? यानी प्रशासन के फूल प्रूफ प्लान में लूप होल है। वैसे प्रशासन को ऐसे आदेशों से पहले इसके सामाजिक असर का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि दुकान के बाहर नाम लिखने या बताने का कोई कानून नहीं है। इसीलिए ऐसे मामलों में विवाद की आशंका ज्यादा होती है और इस पर राजनीति करने वाले नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के दुकानदारों के लिए यह आदेश जारी हुआ है। इसीलिए इसमें अगर ध्रुवीकरण वाले पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल ना होता तो यह भी समाज में शांति और व्यवस्था के लिए बेहतर होता है।